वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्या स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 12वीं की साहित्य क्लास लगा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर क्लास लगा रहे हैं। तो अपनी पोइम है 7th, पोइम का नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। ठीक है, तो ये पोइम के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको जानकर दे देता हूँ कि ये पोइम है जो पुराने टाइम में क्लॉक टावर होते थे, जिसे हिंदी में घंटा घर बोलते हैं, उसके बारे में है कि पहले पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि घटाघर के माध्यम से टाइम का पता लगता था ज़्यादातर लोगों को। जितनी घंटे ज़्यादातर टाइम हो गया, मतलब घंटाघर होते टाइम के उपकार से बताने के लिए। तो मतलब सभी धार्मिक जगहों पर ऐसा था कि मान लो समान समय में सभी के यहाँ 8 बज जाएंगे या 9 बज जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो राइटर ने क्या है क्लॉक टावर के माध्यम से हमें बताया है, एक प्रकार से उसने धर्म के बारे में बताया है कि जो धर्म के रखवाले होते हैं, धर्म के ऑथोरिटी होते हैं, जो धर्म होते हैं, वो धर्म के बारे में अलग अलग व्याख्या करते हैं। ठीक है, कोई कहता धर्म ऐसा है, कोई कहता धर्म वैसा है, मतलब जो वो समझते हैं उतना ही वो क्या बोल पाते हैं, जितना उनको धर्म की समझ होती है उतना ही धर्म के बारे में बता पाते हैं। तो उसके बारे में क्या है, ये कोई पोइम है टाइम एंड टाइम अगेन, तो उसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे अपने। तो शुरू करते हैं अपने पोइम के टाइम एंड टाइम अगेन। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, पोइम की थीम देख लेते हैं कि पोइम की थीम क्या है, मतलब पोइम की थीम देख लेंगे तो अपने क्या है पूरी पोइम के बारे में पता लग जाएगा। तो पोइम की थीम क्या है पढ़ते हैं अपने, द पोइम डील्स विद थिंकिंग एंड फीलिंग सेट अगेन। जो कविता है ठीक है, ठीक है, उल्लेख करती है, किसे करती है, सोचने का और महसूस करने का, और ऐसा पता पहलू मुझसे जो पहलू है ठीक है, वो किसे सोचता है क्या महसूस करता है उसके बारे में, मतलब जो सब वो उसका दिमाग होता है, किसे वो सोचता है, जो उसके दिमाग में का लेवल होता है, ऐसी क्या उसकी आईक्यू लेवल होती है, तो उसके बारे में क्या है ये पोइम है। ठीक है, पफोर इज टेलिंग अबाउट पीपल्स ब्लाइंड हेल्थ इन द विलेजेस। जो ये कविता है टेलिंग बता रही है अबाउट के बारे में, इसके बारे में पीपल्स ब्लाइंड, लोगों के जो अंधा जो विश्वास है, कहता विश्वास है धर्म पर, जो लोगों का धर्म पर अंधविश्वास है, विश्वास करते हैं उसके बारे में ये कविता हमें क्या बता रही है। कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म का क्या धर्म जो धर्म होता है उनके जो थोड़ी अधिकारीगण होते हैं, ठीक है ना, जो अधिकारीगण होते हैं उन पर क्या अंधे हुए विश्वास करते हैं, आंखें मुंह पर विश्वास कर लेते हैं, आंखें मुंह पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये कविता है। द पोएट एक्सप्रेस, जो कवि है वो व्यक्त कर रहा है हिज व्यूज अपने विचारों को थ्रू द एग्जाम्पल माध्यम से, किसे एग्जाम्पल देखें, किसका एग्जाम्पल देखें, ऑफ क्लॉक टावर होता है, घंटा घर का, घंटा घर का एग्जाम्पल तो उदाहरण देकर वो क्या है अपने विचार के हमारे सामने क्या है उसका एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा है। जो लोग अपने सेल्फ स्वीकार कर लेते हैं, क्या है स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं द टाइम समय टोल्ड बाय क्लॉक टावर, जो घंटा घर का टाइम बताया जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं, बट लेकिन ड्यू टू इन डिफरेंट भिन्नता होती है, मतलब होते हैं भिन्नता होती है या तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण कार्य में निर्माण होता है, ठीक है, और द वे ऑफ गोंग्स या गोंग्स का घंटी है, घंटी जो विविधा बजाई जाती है, पिटाई जाती है, बजाई जाती है उस टाइम में भिन्नता का कारण क्या है, वो अलग टाइम था, मतलब जब उसका मैन्युफैक्चरिंग का रोल हो या घंटी बजाने का डिफरेंट टाइम हो तो भी क्या है ऐसा होता है कि कई बार क्या है टाइम अपडेट हो जाता है। राइटर यानी कवि जो कोई इसके कवि हैं वो बता रहे हैं ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कवि क्या बता रहे हैं, दे ऑलवेज टेन डिफरेंट टाइप के घड़ी में से क्या है ग्रीन टाइम बताती है, दे क्या मिशन क्या है ग्रीन टाइम बताती है, टाइम बताती है इन द सेम वे इस तरह, ठीक है, जो लोग होते हैं फ्रीज होता है उपदेश देना, लोग उपदेश देते हैं किसका रिलीजियस धर्म का देते हैं, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, जितनी उनकी समझ में आती है अपनी समझ के अनुसार क्या धर्म का क्या है एक बार से क्या है धर्म का क्या है वो बस देते हैं, प्रीच को उपदेश देते हैं, दे प्रीच वे उपदेश देते हैं बट दे अंडरस्टैंड, जो वो समझते हैं जितना उनको समझ आता है, जो उनको समझ आ गया वैसे दे दिया, मतलब अगर उनको गलत समझे तो गलत ही प्रीच एक उपदेश देते हैं, ऐसे अलग से देते हैं, मतलब जितना उनके दिमाग के आगे चले जितना उसका माइंड है उसके अनुसार वो क्या धर्म को समझते हैं और उसकी व्याख्या कर देते हैं, वो चीज इसमें बताई गई है कभी ने और कहता है कभी ने दस प्रकार दे और प्रीच से यानी उपदेश देते हैं हिंदी धर्म का इन देयर डिफरेंट लाइफ विभिन्न प्रकार से, मतलब सभी का दिमाग एक साथ होता है, ठीक है, दिमाग का क्षेत्र में बच्चे होते हैं ऐसे दिन सारे 90% वाले होते हैं, सारे 70 वाले होते हैं,
तो दिमाग से एक होता नहीं, ठीक है, तो जितना वो समझते हैं वो दिल भी लुक देते हैं, घर जो मुस्लिम लगता है वो देते हैं, वो गलत करें वो गलती करके देखते हैं कि घर में लिखा हुआ लिखा, मतलब जो मुस्लिम जा रहे हैं दिमाग और शरीर के साथ लेकर घर के बारे में हम उपदेश देते रहते हैं। एंड दिस कन्फ्यूजन, यह गलत फहमी एंड ये गलत फहमी और मिसगाइड करने वाला लोगों को होना, तो इससे क्या लोग मिसगाइड होते हैं, ठीक है, उन्हें कन्फ्यूजिंग होती है, कन्फ्यूज होती है और मिसगाइड होते हैं, लोग उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है। दस इस प्रकार जो प्रोटोन बटर होते हैं आर सिमिलर प्रतीक हैं, किसी प्रतीक हैं गलत फहमी वगैरह, उन्होंने धार्मिक देशों के प्रतीक हैं, मतलब इसके अंदर लोग कहते पूछे कभी करते हैं, मतलब जो किस्म जाती है वैसे वो क्या है इसके क्या वक्त देते हैं, मतलब कह देते हैं कि जो उनको लगता है वैसे वो क्या है कह देते हैं इसके अंदर, मतलब इस कोई भी कभी नहीं बताया है कि जितने भी जो जो लोग होते हैं तो धर्म के बारे में उन्होंने बयान करते हैं, कारण क्या है कि जो किस्म में आती है, ठीक है, वैसे वैसा कर देते हैं, इसलिए जो इसके कवि हैं उसने क्या है धर्म की जो तुलना है घंटा कर सकती है, जिसमें घंटा के अंदर गलतियाँ अलग अलग बस्ती थी, ठीक है ना, किस टाइम पर नहीं बस्ती इसलिए घंटे करी, तो इसी प्रकार क्या है ये धर्म के अंदर भी क्या है लोग क्या जो होते हैं वो क्या है पात्री वगैरह होते हैं वो क्या अलग बयान करते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि क्या कहना क्या नहीं कहना, मतलब जितने मुस्लिम जाते हैं वैसे वो क्या बोल देते हैं। तो अगर आप दो तीन बार इस थीम को पढ़ोगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम को दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।